हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आज आपको गुलाब जामुन की रेसिपी दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पाउडर मिल्क ले लिया है। इसी कप का 1/2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और इसे एक छोटी सी कप ली है मैंने, जिसका 1/2 कप मैंने घी लिया है। इसके बाद इसको हमें गूंद लेना है। गूंदने के लिए मैंने लिक्विड दूध का इस्तेमाल किया है। इसको एकदम हल्के हाथों से हमें गूंद लेना है और इसको एक्चुअली गीला गीला करके ही गूंदना है। उसके बाद इसको गोलाकार शेप दे देना है, जैसे नॉर्मली गुलाब जामुन का शेप होता है। तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल ले ली है और तेल में हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही तलना है। बेटर होगा कि आप इसको लो फ्लेम में ही तले, क्योंकि इसको हाई फ्लेम में तलने से आपको लगेगा कि बाहर से ये बन चुकी है, पक गई है, लेकिन अंदर से ये पूरी की पूरी कच्ची रह जाती है। इसको हमने धीरे धीरे लो फ्लेम करके तलते जाना है और जब तक कि ये ब्राउन कलर की ना हो तब तक इसको तलना है। जैसे ही गुलाब जामुन ब्राउन कलर की हो जाएगी तो आपको गैस ऑफ करके गुलाब जामुन को ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। और अलग से एक पतीले में आपको 2 कप चीनी, 1.5 कप पानी, कुछ इलायची के दाने, छोटी इलायची के दाने डाल के आपको उसको बॉईल करना है। जैसे ही वो बॉईल हो जाती है तब आप उसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। 1-2 ड्रॉप नींबू का रस डालने से वो स्टिकी नहीं होगी और आपकी ठंडी गुलाब जामुन को उस बॉइल्ड पानी में डाल देना है। डाल के जस्ट 1 मिनट के लिए उसको छोड़ के गैस ऑफ करके आपको ढक्कन ऊपर से बंद कर देना है और 2 घंटे के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना है। 2 घंटे बाद आप जब आके देखेंगे तो आपकी गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएगी। आप इसको एक बार घर पे बना के ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।